हेलो फ्रेंड्स, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ जो कमेंट सेक्शन में मुझे देवांश ने पूछा हुआ है। देखो, स्पीशीज ऑफ माइस कैन हैव ग्रे और ब्लैक फर एंड लॉन्ग और शॉर्ट टेल्स। ए क्रॉस बिटवीन ब्लैक फर्ड लॉन्ग टेल्ड माइस एंड ग्रे फर्ड शॉर्ट टेल्ड माइस produce all black furred long tailed offspring। ठीक है, मान लेते हैं। आगे देखो क्या है। using the gene symbols capital G for black, small g for grey, capital S for long and small s for short, what would be the genotype of a grey furred short tailed mouse? ये हमारा क्वेश्चन है और ऑप्शंस में हमें चार डिफरेंट जीनोटाइप्स दिए हुए हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। देखो, इस क्वेश्चन में ये बीच में जो दिया हुआ है वो हमारे कुछ काम का नहीं है, वो बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। देखो, मैं एक और बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ। यहाँ मैंने क्वेश्चन को सॉर्ट किया है, लाइक दो कलर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये जो येलो कलर का जो है वो हमारे काम का है। देखो, अ स्पीशीज ऑफ माइस कैन हैव ग्रे और ब्लैक फर एंड लॉन्ग और शॉर्ट टेल्स। यूजिंग द जीन सिंबल्स कैपिटल जी फॉर ब्लैक, फर के लिए दो सिंबल्स कैपिटल जी फॉर ब्लैक, स्मॉल जी फॉर ग्रे, तो ग्रे के लिए स्मॉल जी ले लिया। कैपिटल एस फॉर लॉन्ग, अब टेल के बारे में अगर देखो तो लॉन्ग के लिए कैपिटल एस और स्मॉल एस फॉर शॉर्ट, शॉर्ट के लिए स्मॉल एस। ठीक है, व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ अ ग्रे फर्ड शॉर्ट टेल्ड माउस। क्वेश्चन इतना ही है। ये बीच की कथा जो दी गई है वो बस कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, इसका क्वेश्चन सॉल्व करने से वैसे कुछ संबंध नहीं है। ठीक हो, ठीक है। तो अभी मेंडल आपने पढ़ा है, आप जानते हो कैपिटल जी डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर रेसेसिव के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी यहाँ पर ब्लैक डोमिनेंट है, ग्रे कलर जो है वो रेसेसिव है, टेल के बारे में लॉन्ग टेल डोमिनेंट है और शॉर्ट जो है वो रेसेसिव है। ठीक है, हमें जीनोटाइप पूछा है ग्रे फर्ड। ग्रे फर्ड कब आएंगे? अभी ग्रे तो रेसेसिव है, तो ग्रे फर्ड आने के लिए दोनों भी रेसेसिव कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो जी जी स्मॉल जी स्मॉल जी आएगा। और शॉर्ट टेल्ड माउस, अगेन शॉर्ट भी यहाँ पर रेसेसिव ही है, तो इसलिए यहाँ भी स्मॉल एस ही आना चाहिए। तो ये उसका जीनोटाइप बन जाएगा जो होगा ग्रे फर्ड शॉर्ट टेल्ड माउस। इतना सिंपल क्वेश्चन ये है। तो यहाँ देखो, ऑप्शन सी जो है वो हमें ग्रे फर्ड शॉर्ट टेल्ड माउस के बारे में जीनोटाइप दे रहा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि ये क्या बन जाएगा। ये ब्लैक डोमिनेंट है ना, ब्लैक फर्ड हमने देखा, तो यहाँ पर देखो ब्लैक फर्ड होगा, ये लॉन्ग टेल्ड होगा, कैपिटल एस है, यहाँ पर स्मॉल जी है, दो रेसेसिव है, तो ग्रे फर्ड आ जाएगा और लॉन्ग टेल्ड आ जाएगा। ओके, यहाँ पर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव आ गया, मगर फिर डोमिनेंट ही डोमिनेट करेगा, तो ब्लैक फर्ड और लॉन्ग टेल्ड इसका ये ब्लैक फर्ड और लॉन्ग टेल का जीनोटाइप हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो आप? देवांश, आपने समझ लिया कि किस तरह से हमें जीनोटाइप निकालना है। तो थैंक यू देवांश, कि आपकी वजह से ये क्वेश्चन मैं सबके साथ शेयर कर सकी। आप भी पढ़ाई कर रहे हो, आपको भी कुछ डिफ़िकल्टीज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं, प्लीज़ शेयर करना, मुझे सॉल्यूशन देने में बहुत अच्छा लगता है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्ज़ाम। और मैं साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।